लिए कुछ कपड़े बांध कर ले आया था, बदल लो। तुम बड़े जीदार साथी हो महमूद, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो इस वक्त भी कुछ और होती। खालिद, ये कभी हो सकता है कि हमारे हाथी को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा दे? तुम क्या कह रहे हो? सलमा को इतला कर दी। मैं तुम्हें इसी के पास ले जा रहा हूँ। पंजे से खुशी के चंद लम्हे छीन कर ले आया हूँ सलमा, मैं ज्यादा देर यहाँ रुक ना सकूंगा। ऐसा ना कहिए। न जाने कब तक आपकी जिंदगी खतरों में पड़ी रहेगी। वतन आजाद नहीं होता, गुलामी की जंजीरें टूट नहीं जाती। जिंदगी को इसी राह पर चलना होगा। आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? यहाँ से थोड़ी ही दूर रेल की पटरी है, जहाँ हर रोज एक मालगाड़ी रात के पिछले पैर सिग्नल के पास आकर रुकती है। मुझे तुम दुआ करना कि मैं कल के कल ही कबायली इलाके में अपने दोस्त शेरदिल खां के पास पहुंच जाऊँ। मैं तुमसे आकर मिलने की कोशिश करता रहूंगा। मगर तुम्हें तो फिर बुखार है सलमा। सलमा, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आपका ख्याल मुझे फुर्सत ही कब देगा? सिर्फ आपसे मिलने की उम्मीद मुझे जिंदा रखेगी। तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, तुमको यहां आते हुए किसने देखा? तो नहीं कहीं तुम्हारे घर वालों को कुछ मालूम तो नहीं हुआ? बस इतना याद है कि महमूद ने आपका पैगाम दिया, उसके बाद सारी दुनिया को आपकी दुनिया मालूम होगी। कितना सुहाना है ये ख्वाब, चारों तरफ हम के साए चुमन ला रहे हैं। कितनी डरावनी रात। गुलामी की जिंदगी भी एक लंबी रात ही तो है, डरावनी और भयानक, लेकिन ये रात भी सदा ना रहेगी। इस डूबते हुए चांद की तरफ देखो सलमा, इसके सीने में आने वाली सुबह का दर्द सुन रहा है। ये अंधेरों को अपने साथ लेकर डूब जाएगा और रूह पर रोशनी की एक नई किरण फूटेगी। आपके ख्यालों की बुलंदी पर जब से सर उठा के देखने की कोशिश करती हूँ तो मेरा सर उनके सामने झुक जाता है। काश मैं भी उन बुलंदियों की तरफ आपके साथ उठ सकती। जब आपकी आंखों से मैं उठ सकती तो कौन जाने आपकी दिल से भी दूर हो जाऊं। यही चांद मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा सलमा। मुझे इसी गाड़ी को पकड़ना है। खुदा हाफिज।
मुस्कुरा दो तन्हा, ऐसी मुस्कुराहट जो हमेशा तन्हाइयों में मेरे साथ रहे। करीब आ गया है, शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। पूछे नहीं मीरा खाना, मुझे इसकी नहीं किसी और चीज की जरूरत है। तो वो क्या चीज है? अरे वतन के जान सर कर दे, हमारा जान भी हाजिर है। जिंदाबाद मीरा खाना। वो किसका फोटो है? खान, इस शक्ल का आदमी तुम्हारे काफिले में तो नहीं है। ये प्यारी गुंडा है, इसे गिरफ्तार करने का हमें ऑर्डर मिला है। हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक गुंडा लगता है। अगर हमको मिल गया तो हम उसको जरूर पकड़ कर लाएगा। जो तो सब हमारा गांव का आदमी है, एक आदमी नया है। कौन है वो? चलो चलो देखा। ये नहीं, हाथों से कर रखो, हम उसकी शक्ल याद रखेगा, हम उसको जरूर पकड़ के लाएगा। हाँ उठो उठो। खुशाले बचीरी सिंह नहीं तो समर आ गए। खाना, तुम शेरदिल खान को जानते हैं? शेरदिल खान को ये तो हम बाद में बोलेगा, पहले ये बताओ तू कौन है, किधर से आया है? आया तो जेल से है। शाबाश दे जोना, शाबाश दे। आजाद दुनिया की फिजा में सांस लेने के लिए इधर आया हूँ। इधर आओ, आंखें दिखाओ, तुम किधर फिरंगी का मुखबरी करने तो नहीं आया? नहीं खान बाबा, शेरदिल खान मेरा दोस्त है, कॉलेज में हम साथ पढ़ा करते थे, वो मुझे खूब जानता है। अच्छा हाँ। अरे भाई वो तो हमारा बचपन का यार है, ये तो जो हमने गोली नहीं चलाया है। ये जरा पकड़ो, हम जरा पटके बांध ले। चलो 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 चलो। शेरदिला शेरदिला शेरदिला, ओ पढ़ो बिस्मिल्ला। ओहो पीछे देखो कहने जरा, तुम्हारा मिजबान आया है। ओ कमाल देखो यारा, हम बोलते पीछे देखो और तुम तो पकबाजी में लगाए हैं। और तुमने हमारा शहनाई क्यों फेंक दिया? ये तो हमारा बंदूक है, तुम आदमी को गोली से मारता ना, हम शोर से मारता।
खोजे तुम जिंदा है, यकीन कर लो। वो सुना तो ये था कि घोड़ा पलटन की रेलगाड़ी पर बम मारने के जुर्म में तुमको फांसी की सजा मिली है। तुम्हारा क्या ख्याल है, अंग्रेज मुझे फांसी की सजा दे सकते थे? और खालिद तुम ठीक कहता है, तुम ऐसे जाबाज और नादार को फांसी पर चढ़ा देना कोई खेल नहीं। और चले अंग्रेजानो समसेवा माताश्व। ये जिला, ये तुमने क्या किया? ये अंग्रेज का मुखबिर था, इसने तुमको देख लिया था। अगर मैं इसको न मारता तो ये अंग्रेज को जाके खबर कर देता कि तुम यहाँ पहुँच गए हो। दरिया में फेंक दो, उठाओ। उचक गए, उचक गए। चलो पहले तुम मुझे अपने भाइयों से मिलवाओ, जिनकी बातें तुम अक्सर कॉलेज में किया करते थे। यहां आते वक्त जिस दर्रे से तुम गुजरे हो, उसी दर्रे की लड़ाई में वो तीनों शहीद हो चुके हैं। ये बंदूक उन्हीं की है। अंग्रेज से कह सकूंगा कि खबरदार, मुझे अकेला न समझो, अभी मेरा एक भाई और भी है। बाखुदा बरसों के बाद तुम्हें देखकर कॉलेज का जमाना मेरी आंखों में पिरने लगा है, और वो लड़की भी, क्या नाम था उसका? सलमा। क्या वो मर गई है? नहीं तो क्या वो बेवफा निकली? तो क्या तुम्हारी शादी उससे हो गई है? नहीं, शायद तुम भूल गए कि वो एक सख्त किस्म के सरकारी वफादार की बेटी है। हाँ, क्या खबर दे, मजा भी उसी मोहब्बत में है जिसमें कोई दीवार आई हो। होने वाली भाभी का नाम गुलनार है। होने वाले देवर के लिए फल आया है। शेरदिला, 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 ओ किधर है शेरदिला? ओ शेरदिला, कहो तो पढ़ दूं बिस्मिल्लाह और सारे गांव वालों को यह खबर कर दूं कि आज रात का खाना तुमने हमारे साथ, यानी कि तुम्हारे साथ खाना होगा। ये मुबारक काम मैं खुद ही कर लूंगा। तुम इधर आओ, मेरा चाकू। तुम हमारा मेहमान की खातिर करो। पूछू। अच्छा दोस्त, मैं अभी आया। हाँ हाँ, तुम जाओ, तुम्हारा काम में जरा देर नहीं करनी चाहिए। तदा चिलम उसका और दांगूर देखा।
मेरे चुन ले। और तू दोनों से कहाँ थी? मैं पीर बाबा की ज्यारत पर गई थी माँ के साथ। मेरे लिए वहाँ तूने क्या दुआ मांगी? मैंने पीर बाबा से कहा, मैंने कहा पीर बाबा शेरदिल के साथ जल्दी से मेरी शादी कर दे। मैं अभी तेरी माँ से जाकर कहता हूँ कि तेरी बेटी बड़ी बेशर्म है, कहती है मैं शादी के लिए बहुत बेताब हूँ। नहीं नहीं शेरदिल खाना, माँ नाराज हो जाएगी, वो सोचेगी कि मैं सच में बेशर्म हूँ। तेरी इसी अदा और भोलेपन का तो मैं दीवाना हूँ। तुमने अंग्रेजी पढ़ ली है और तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। तो फिर ठीक ठीक बता, तू शादी के लिए बेताब है कि नहीं? दिल में अंदर ही अंदर कुछ होता तो रहता है, मगर क्या जानू वो क्या है। मैं ये तेरे दुम्बम के बच्चे को क्या हो गया? वही समा खुदाया, ये तो मुझे पिट पिट देख रहा है। शेरदिला शेरदिला तू चला जा, जा जा जल्दी से चला जा, ये कह रहा है मैं कितनी बेशर्म हूँ, जा तू जा जा। माँ इतनी धूप लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर दुपट्टा डाल दिया। तू पूछ रही है कि मैंने आज देर क्यों कर दी? हाँ माँ हाँ। रास्ते में गांव के कुछ बड़े बूढ़े मिल गए थे, कह रहे थे शेरदिल और गुलनार की शादी अब जल्द हो जानी चाहिए।
रक्स हो कर गुनगुनाती है रात थम थम के दूर से यूं दुआओं ने खालिद मियां को फांसी के तख्ते से बचा लिया तो वो नीली छतरी वाला तुम्हारे इन आंसुओं की भी लाज रख लेगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दिल की मुराद जरूर पूरी होगी बेटी। बुआ कौन जाने वो दिन कब आएगा। अब तो ये जिंदगी एक लंबी रात है। मामू जान सो गए, नींद की दवा पिलाई तो चैन आया। जब से तुम्हारी अम्मी अल्लाह को प्यारी हुई उनकी सेहत गिरती ही गई और अब तो तुम्हारा दुख उन्हें खाया जा रहा है। कितनी मजबूत थी वो घड़ी जब तुम्हारी सौतेली माँ का डोला घर में आया। उन्हें बुरा न कहो बुआ, अब वो मेरी अम्मी है। अम्मी, जब वो जोयल को पता चला कि तुम्हारे मामू यहाँ आए हुए तो देखना क्या बुलझिला। कमाल ही हो गया। भाई की ट्रिक मिस्टर साहब ने इतने जोर से हाथ मिलाया कि दिल यकीन मानो बेगम इसने खुलूस का इजहार नौनिश्वता से किया ना नाम सिंह के साथ हाथ प्यार मिलाया गोया इशारा कर दिया। मान बहादुर तो तुझे फर का खिताब दे दिया जाएगा और नहीं तो कम अज कम 50 मुरब्बा जमीन जरूर अदा की जाएगी। बेगम मेरा ख्याल है डिप्टी कमिश्नर का फोटो भी यहाँ जरूर लगना चाहिए। खूब इंसान है ऐसा हाकिम किसी गुलामी में इंसान 10 जिंदगी अभी गुजार दे तो कम है। बेगम बेगम नहीं का दुश्मना कहीं तबीयत नाराज तो नहीं। बखुदा बेगम आपके जूझने का अंदाज भी इतना हसीन है कि बस कुछ ना पूछिए, मगर इतना जरूर पूछूंगा कि आखिर इस गुलाम ने खता क्या की है। कि मुखाब पर ताज का पेवन कभी लगा है। आप अपना मुकाम याद रखिए और मेरा भी। आखिर मैं सर मोहम्मद अबरार की बेटी हूँ, कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है मेरी। जिन हवेलियों में कमिश्नरों और बड़े बड़े रईसों और नवाबों का आना जाना हो वह दो दो टके के अदना और मामूली लोग घुसने की जुरत कैसे कर सकते हैं। मगर आया कौन बदबख्त है कुछ बताइए तो। बुआ बुआ अजी और रफीली बुआ कुछ सुना तुमने। खान बहादुर की आवाज सुनी जब ही तो मैं आई। कैसी बदतमीज है ये बुढ़िया, हर वक्त पान की बाजी रहती है। अरे कुर्बान जाऊं कैसी भोली है खान बहादुर की गुड़िया। ये भी नहीं जानती कि हम शाहजहानपुर के रहने वाले हैं और शाहजहानपुर में यही होता है। बुआ बुआ न जाने कहाँ का जानवर पाल रखा है। किसने पाला किसको पाला दुल्हन बेगम को शायद ये भी नहीं मालूम कि खान बहादुर साहब मेरी ही वालदा के हाथों पले हुए हैं। जाओ और बिटिया को यहाँ भेज दो, मुझे पूछना है कि यहाँ कौन आया है।
आप जरा भी रंजिश को दिल में ना आने दीजिए, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। याद होगा मैंने आपसे कह रखा था कि आपकी पहले बीवी का कोई अजीज कोई रिश्तेदार इस घर का रुख नहीं करेगा, यही क्या कम है कि आपने मुझे याद किया। तुमसे कौन मिलने आया है? मामू जाना है। क्यों आए? बहुत दिनों से बीमार थे, आपने उनकी तरफ जाने की इजाजत न दी, आज वो खुद ही मुझसे मिलने चले आए। तुम्हारे मामू का भी करते क्या रिश्ता, तुम्हारी माँ को मरे भी 5 साल हो गए। कान खोल कर सुन लो, घर में कोई दर कदम नहीं रख सकता। मामू का नखरा कैसे हो सकते हैं, और वो इस कदर बीमार है। तुम्हारा घर है पता नहीं, और अगर तुम्हारे मामू को तुम्हारी माँ से मिलना है तो कबर की हवा खाए। अब बस उनसे कह दो यहाँ से चले जाए, और फिर कभी ये कैसे हो सकता है, ये नजमा कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। तुम बीमारी की हालत में यहाँ तक चल कर आए। बुजुर्गों से बहस नहीं की जाती, बेगम साहबा की खुशी अगर यही है कि मैं यहाँ ना आया करूँ तो मैं हरगिज यहाँ नहीं आऊंगा। बात भी ठीक है, जिन महलों में बड़े बड़े अफसर और अमीरों का आना हो वहां मुझे ऐसे एक मामूली और गरीब आदमी का आना दीवानगी के बराबर से कैसा। खान बहादुर साहब से मिलकर आत्मा को बड़ा ही आनंद मिलता है। कहिए घर में सब ठीक ठाक है जी? अल्लाह का एहसान है,
आज सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कहते थे कि ऐसा अच्छा सीआईडी अफसर तो शायद ही कभी पैदा हो। अरे साहब, ये सीआईडी की नौकरी भी एक पाखंड है, आदमी को कहां से कहां ले आती है। खैरियत तो है। वो खालिद नाम का एक इनकलाबी गुंडा जेल से भाग निकला है, बस उसी का चक्कर यहां भी ले आया। खालिद नाम तो सुन रखा है, वो मशहूर गुंडा जो 2 साल हुए फौजी ट्रेन उड़ाने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। जी हाँ, स्वर्गवासी वकील शफीक अहमद का बेटा है। बाप ने इंजीनियरिंग पढ़ाई मगर वो बुरे कामों में लग गया। अच्छा, वो इतने अच्छे घर का लड़का है, ये बात मुझे आज ही मालूम हुई। उसका एक कन्या से प्रेम भी चल रहा है, ये बात तो आपके जानने में जरूर आई है। जी कतन नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ। जेल से भागते समय उसके हाथ से या उसकी जेब से एक तस्वीर गिर गई थी, जो बाद में किसी जेलर के हाथ लग गई और फिर इधर उधर का चक्कर लगाकर मेरे दफ्तर तक आ गई। तस्वीर किसकी है? एक लड़की। लड़की? जी हाँ, लड़की जिसे खालिद प्रेम करता है और जो शायद खालिद से प्रेम करती है। फिर तो मामला बिल्कुल साफ है राय बहादुर, लड़की को काबू में कर लीजिए, खालिद खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। हाँ, मगर मुश्किल। मुश्किल क्या है कि भाई? मुश्किल ये है खान बहादुर साहब कि तस्वीर किसी गैर की नहीं, अपनी ही भतीजी की है। आपकी भतीजी निर्मला की? नहीं नहीं, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से मेरी भतीजी सिर्फ निर्मला ही तो नहीं खान बहादुर साहब, मेरी एक भतीजी सलमा भी तो है। ये रही वो तस्वीर, इसके पीछे सलमा बेटी ने खालिद के नाम प्रेम संदेश भी लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सीआईडी अफसर की हैसियत से सलमा से खुद बात करना मेरे लिए जरूरी है। उससे पूछना है कि खालिद यहां से भागकर कहां गया है। वो मेरी अपनी पुत्री के बराबर है खान बहादुर साहब, मैं उससे बड़ी शांति से बात करूंगा, आप चिंता को मन में जरा ना आने दें। बुआ, राय बहादुर साहब सलमा से बात करेंगे। आइए आइए राय बहादुर साहब। क्षमा कीजिए। नमस्कार बेटी। आदाब अर्ज करती हूँ। रसीली बुआ पान बहुत खाती है। हम शाहजहानपुर के रहने वाले हैं और शाहजहानपुर में यही होता है। हम अपनी भतीजी से मेले में बात करेंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं राय बहादुर साहब, सराखों पर सराखों पर। बुआ की हंसी हमारी हंसी की बहन मालूम होती है। मगर सौतेली, प्रेम तो आदमी का जन्म जा साथी है, कोई हृदय ही होगा जो इससे बचा होगा, ये कोई ऐप की बात नहीं। आप क्या कहने चाहते हैं? कहना नहीं चाहता, पूछना चाहता। आप क्या पूछना चाहते हैं? खालिद खाना, क्या ख्याल है कहाँ होगा? मैं सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती। तुम सीआईडी के अफसर से बात कर रही हो? मगर तुमसे सीआईडी की अफसरी करूं तो जो सजा चोर की सो मेरी। बेटी, तुम खान बहादुर की बेटी हो और तुम्हारे पिताजी मेरी ही तरह बरतानिया सरकार के पुराने सेवक हैं। राय बहादुर साहब, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ये वक्त आओगी बेटी, सिर्फ उसका पता बता दो, मैं तुम पर कोई हर्फ ना आने दूंगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। तुमने जरूर अपने प्रेमी को खामोश रहने का वचन दिया होगा, अच्छी बात है,
जैसे तुम्हारी इच्छा। हम यहाँ सीआईडी वाले बन के भला कब आए हैं? अपने मित्रों के घर आए, सबको देख लिया, मन को बड़ी शांति हुई। अच्छा आप चलते हैं, नमस्कार। अभी घोड़े की तरफ मोहब्बत भरी नजरें उठाने से पहले ताने तुझे अंधा क्यों ना कर दिया? इस घर की आबरू लूट लेने से पहले तुझे मौत क्यों ना आ गई? बेहया, इस बदनामी के बाद अब मैं किस बिस्ते पर जीने की तमन्ना करूंगा? ये ले, और जिससे तूने मेरी इज्जत और साख को मिटाया है उसी तरह मेरी इस बख्त जिंदगी को भी मिटा कर रख दे। जेब में रख लो खान बहादुर, बाप के मुंह से निकले हुए फिक्रे, क्या बेटी का सीना छलनी करने के लिए कुछ कम है? मेरे और इसके तमाम रिश्ते टूट चुके हैं, इससे कह दो कि आज से इसका बाप मर चुका है। तुम दोनों फौरन इस घर से अलग हो जाने की तैयारी करो,
ऐसी बदबخت औलाद को मैं घर में नहीं रख सकता। इसके मामू का मेरा खत मिल चुका है, वो इसके इंतजार में होगा। वापस क्यों ले आए? क्या सलमा का मामू इतनी दौलत छोड़ मरा है कि उसने ये 1000 रुपए का चेक ठुकरा दिया? बेचारे मामू का इस दुनिया में था ही क्या हुजूर, सिवाय उस टूटे फूटे मकान के जिसमें अब सलमा बीबी और रसीली बुआ रहती है। इसीलिए तो ये चेक भेजा था। सलमा बीबी जैसे देख कर रोने लगी, लेकिन रसीली बुआ क्या कहा उसने? वो बोली, इस कागज के पुर्जे को वापस ले जा और खान बहादुर से कहना सलमा अभी यतीम नहीं हुई, सलमा का बाप मर चुका है, मां नहीं। सलमा बीबी की तबीयत अब कैसी है? खुदा का शुक्र है कल से बुखार नहीं आया। तू कौन है रे? अपना अपना होगा तो किसी नई नवेली का, जरा सोच समझ के बात कर। खालिद का पैगाम लाया हूं।
जब भी तो कह रहा था, कह नहीं हूँ। खालिद का पैगाम तो मैं जरूर सुनूंगी, वो कहाँ है, कैसे है? आइए मेरे साथ। चलो चलो। ये कौन जगह है मियां साहबजादे? सोफे पर आराम से बैठ जाइए, फिक्र ना करें, सब ठीक है। ये किसने भेजे? भेजने वालों ने। तुम कौन? आदमी। लक्षण तो आदमियों के से नहीं। पान हाजिर है। मैं पूछ रही क्या दिल लगी है, बता दे ना, मुंह नोच के रख लूंगी। मुझे ये अकेली एक आंख नहीं भाती। मैं शाहजहानपुर की रहने वाली हूँ और शाहजहानपुर के झगड़ालू जमाने भर में मशहूर हैं। आए तुम यहाँ कैसे टपक पड़े राय बहादुर? रसीली बुआ ने मालूम होता हमारा पान स्वीकार नहीं किया, हमने बड़ी चाह से बनवाया था। और हमने बड़ी चाह से नहीं खाया। लो अब बोलो क्या कहना। मैं दब जाने वाली आसामी नहीं हूँ। सुना था बुआ बेचारी विधवा है और दुखिया भी, मगर साथ साथ कहने वालों का कहना ये भी है कि जिस हाल में हो सो हो, दिल की बड़ी कोमल है। मैं दिल की बड़ी शैतान हूँ, शैतान धोखे में ना रहना। 500 रुपए ठन ठन करके जब झोली में डालूंगा फिर तो ना कहेगी। यही लक्षण थे, जब ये तो अल्लाह मियाँ ने सोच समझ कर लाला की मूर्ति गढ़ी थी। बुआ, अफसरों के साथ अदब और शांति से बात की जाती है, अफसरों के हर सवाल का जवाब ठीक ठीक दिया जाता है। क्या पूछना है? खालिद कहाँ? यही बात अगर तू मुझे बता दे तो चांदी की चमकती हुई अठन्नी में तेरी हथेली पे धर दूं। तू सलमा की भेदी है और खालिद का ठिकाना तुझे जरूर मालूम होगा। जान जान रे कहाँ गिरी तोरी बिंदिया, कहे तो नाक के पूरे भी अंग में ठुमरी सुना दूं, कमर लचका के और नैना मटका के दिखा दूं। ऐ कुर्बान जाऊं, कैसा बांका है ये लाला, तोन जैसे चंदा का हाला, थोबड़ा जैसे किसी बुढ़िया के कान का बाला। धत तेरी दिल लगेगी, हमें अपनी अफसरी दिखाता है। हम शाहजहानपुर के रहने वाले अफसरी से नहीं दबने वाले। हम ना 500 रुपए की रिश्वत हथियाने वाले बंदे हैं और ना डर जाने वाले लोग हैं। टोक सके तो टोक के देख ले, रोक सके तो रोक के देख ले। रसीली बुआ ये चली और वो चली। अरे हाँ, नमस्कार तो करना भूल ही गई। नमस्कार है लाला। जब अंग्रेजों से लड़ाई होगी तब अंग्रेजों को पता चलेगा कि आजादी के सिपाहियों से लड़ना कितना मुश्किल है। इंशाल्लाह जरूर पता चलेगा। अब मैं डायनामाइट उड़ाने लगा हूँ। तुमने सबसे कह दिया ना कि आसपास कोई ना आए? मैंने सबसे कह दिया है कि हमारा दोस्त इंजीनियर बम का तजर्बा करेगा, आसपास कोई नहीं रहेगा। मगर मुझे तो सामने कोई लड़की नजर आ रही है। लड़की किधर है? मगर उसने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। साथ वाला गांव की लड़की है, सुना है पगली है। फिर तो तुम्हें खुद जाकर उसे हटाना पड़ेगा। मैंने पीर बाबा की उसमें एक दुकानदार से खरीदा था। उसने कहा था जो भी अपनी सूरत इसमें देखता रहेगा पीर बाबा की दुआ से खूबसूरत होता चला जाएगा। ले तू भी इसमें देख। आईना भी देखती रहना और खूबसूरत भी बनती रहना, मगर इस वक्त यहाँ बम फटने वाला है, तुमको यहाँ से हटना पड़ेगा।
ये तो बहुत जख्मी हो गया। इतना जख्मी हुआ और कहाँ चोट आई है? दिल पर। शादी करवा दो उसकी, ठीक हो जाएगा। ये भी तुम्हारी तरह शादी के लिए बहुत बेताब है। क्यों मैं? तुम दगाबाज हो, झूठ बोलते हो। अगर ये जख्मी होता तो खून बहता, खून की तरह। कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिनसे खून नहीं टपकता। तुमने अंग्रेजी पढ़ ली है और तुम्हारी कोई बात भी मेरी समझ में नहीं आती। वही वही, तुमने उसको क्यों चुमा? ये मेरा जानना है, मेरा शेर दिल खाना है। बहुत बिगड़ गई है हरचरण दास जी। बड़ी मुश्किल से ये खबर मिली है कि वो मुसलमान गुंडा वो खालिद भागकर कबायली इलाके में अपने दोस्त शेरदिल के पास पहुंच गया है। और खालिद का शेरदिल जैसे दूसरे बागी से जा मिलना हुकूमत बरतानिया के लिए बहुत गंभीर बात है। तो महाराज ये बात तो आपके लिए भी चिंता की हो गई होगी। हाँ, डर है कि कहीं सरकार की नजर में हम न गिर जाएं। महाराज आपके आगे तो अंग्रेज की सियासत भी शर्माती है। आप बहुत ऊंचे ब्राह्मण घराने के सपूत हैं और शास्त्रों में लिखा है महाराज ब्राह्मण का हमेशा बोलबाला रहेगा। लेकिन खालिद को घेर कर हिंदुस्तान लाना आसान बात नहीं है और उसका कारण ये है कि पठान कभी अपने मेहमान को आसानी से सरकार के हवाले नहीं करेगा। महाराज ये पठान जाति को सरकार एक ही हल्ले में खत्म क्यों नहीं कर डालते? मैं तो कहता हूँ कि इन पर हमला करके इनकी सारी बस्तियां हथिया ली जाए तो क्या बुरा है। उधर फौज सरहद पर पहुंची, इधर पठान ने डर के मारे अपना सारा इलाका महाराज के चरणों में धर दिया।
ये राजनीति की बातें हरचरण दास जी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी। तुम्हें इसलिए बुलाया है जी कि सलमा की तरफ से खालिद के नाम में एक प्रेम संदेश लिखना होगा। इस तस्वीर के पीछे सलमा की लिखाई का नमूना है। शब्द ऐसे लिखे जाएं कि खालिद समझे कि सलमा ही का पत्र है। महाराज आपकी दया से अब तक जितने भी पत्र लिख चुका हूँ लोगों ने उन्हें बिल्कुल असली समझा है। परंतु महाराज संदेश क्या होगा? मिलने की विनती होगी। लिखना होगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, अंतिम यात्रा यानी आखिरी सफर की तैयारी है, अपने प्रेमी के आखिरी दर्शन चाहती हूँ। और हाँ ये भी लिखना कि मैं आजकल अपने स्वर्गवासी मामू के यहाँ रहती हूँ, मिलने के लिए वहीं आना होगा। अलगा खालिदा वो पूछे देखो तुम्हारा खाता है भाई ए? देखो तुम पढ़ो हम आता है। तौकल खाना ने तुमको मिलने के लिए लिखा है, वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है। लिखा तो यही है तो फिर देर काहे की है? चलो तुम पागल हो गए हो, आज रात ही तो तुम्हारी शादी है। ये तो मुझे भी मालूम है लेकिन तुम अकेले हिंदुस्तान नहीं जाओगे। कैसा आवाज है दखरस भैया, अब दूसरा काम करो। क्यों क्या बात है भाई? हम गुलनार से मिलना चाहता है इसी वक्त। गुलनार से? मगर भाई आज तो उसका शादी होने वाला है, तुम निकाह से पहले कैसे मिल सकता है? उसका माधव तुम्हारा मुंह नोच के रख देगा। पता होने की क्या बात है, मैं अपनी जानाना को हमेशा अपने साथ रखूंगी। तुझे भी बीहा बनाऊंगी, तुझे भी सेहा बांधूंगी, तुझे अपने गले से लगा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। खुशहाल है बच्ची की ताक दी। मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। खैर की बात है ना? हाँ खैर की बात है। बात ये है कि शेरदिल ने तुम्हारी चमगादड़ से कुछ बात करनी है और जब तक वो बात करता रहेगा मुझे तुमको बेवकूफ बनाना होगा। पूछ ले, बात समझ में आई? हाँ समझ गई हूँ। शायद तू कह रहा है कि तेरे गले में दर्द है जैसा कि पिछले महीने में हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह माँ तुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है, हर बात समझ लेती हो। अच्छा बैठ तू यहाँ, पीर बाबा की दरगाह से जो दवा लाई थी वो मैं तुझे लाकर देती हूँ। तुम इसे जितना चाहो चुम सकती हो, तुम्हें इजाजत है। मगर तुम यहाँ क्यों आया? आज रात तो शादी है, लोग क्या कहेंगे? माँ ने देख लिया तो बहुत मारेगी। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आज रात शादी नहीं हो सकती। अंग्रेज के साथ फिर लड़ाई करने जा रहे हो क्या? मुझे अपने दोस्त खालिद के साथ जाना है। कहाँ? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो सुना है बहुत दूर है। हाँ इतनी दूर से, जितनी दूर इस वक्त तो मुझसे। मगर तुम क्यों जा रहे हो? खालिद की गुलनार ने खालिद को बुलाया है। खालिद की गुलनार ने? हर आदमी की गुलनार होती है इसलिए कि हर आदमी के सीने में दिल होता है और हर दिल में एक गुलनार का होना जरूरी होता है। तो फिर तुम कब आओगे? मुझे कुछ मालूम नहीं, और अगर कभी ना आया तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? कहोगे शेरदिल बेवफा था इसलिए चला गया,
मगर ऐसी बात नहीं, मैं जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा और अपने गुल्लार को दुल्हन बनाकर अपने घर भी ले जाऊंगा, मगर जिंदगी का भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता, इसलिए अंग्रेज से मेरी पुरानी दुश्मनी है। फिर भी तुम उनके इलाके में जाना चाहती हो? बात यह है गुल्लार, जिस तरह मैं तुम्हें प्यार करता हूँ दिल के एक हिस्से में तुम्हारा दर्द है, इसी तरह दिल के दूसरे हिस्से में अपने दोस्त का दर्द और प्यार भी बसा हुआ, मैं उस हिंदुस्तान अकेले नहीं जाती। अल्लाह उस पर कभी कोई मुश्किल नहीं डालेगा, अगर पीर बाबा की दुआ रही तो मेरा शेर दिला जरूर वापस आएगा, अगर मेरे शेर दिला ने दूर दूर जाने की ठान ली, वहां जहां से कभी कोई वापस नहीं आता, तो गुल्लार फिर तारीस की बरकत से अपने शेर दिला के पास पहुंच जाए। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा पीछा न करना, काश मैं तुम्हारी शादी में शरीक हो सकता, तुम्हारा खालिद। करने का एक रास्ता और भी जानते हो मेरे साथ? श्यामलाल अभी तक खबर नहीं लाया गफूर, जाने क्या बात है? खबर ये है कि खालिद अभी तक तो आता हुआ नजर नहीं आया और छोकरी के घर में बिल्कुल सन्नाटा है। खालिद कहीं ये जान तो नहीं पाया कि हम सीआईडी वाले यहाँ उसके लिए जाल बिछाए बैठे हैं? वो देखो तो खाना बदोशियों का काफला आ रहा है। इनकी तलाशी लेनी चाहिए। ये कौन सी जगह है? अतारियानो किधर? एकदम उधर, जिधर का छोकरी लोग बहुत बहुत खूबसूरत लोग, उधर चलेगा। छोकरी लोग का बदन गोरा गोरा, प्यार का बात थोड़ा थोड़ा। जब छोकरी लोग चलेगा तो ऐसा मालूम पड़ेगा आटे का मशीन चल पड़ा। बुला डाल दिखाएगा हुला हुला। बोले नाम क्या है प्यारे? नाम ये जो मशीन चलाता है इसका नाम है लखपयानो। मेरा शनशनाकी वलायती जिप्सी। शनशनाकी, अजीब नाम। इसका नाम है दबियादू। और इसका नाम मैं सोलेनी। तेरा नाम सेनोरिटा। सेनोरिटा
फादर का नाम मोसूतीता और दादा का नाम प्रिंस लपीता और दादे के दादे का नाम मिस्टर घसीटा और बस 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 जाओगे कहाँ यानी आखिर में गोरा कब्रस्तान गोरा कब्रस्तान जाओ मैं समझ गया था कि ये सीआईडी वाले इसका मतलब है कि हमारी आव भगत का पूरा इंतजाम है वो भी तो क्या है तो ठीक है मगर गांव कब आएगा गांव तो यही है मालूम ये करना है घर कौन सा है ये कौन सी मुश्किल बात है चाहे जान चली जाए जान चली जाए चाहे जान चली जाए बना रहे हैं दूर से दूर चाहे जान चली जाए चाहे जान चली जाए जान चली जाए चाहे जान चली जाए अपनी वफा के लिए खेले हैं जान पर खेले हैं जान पर भगवान आने दिया उल्फत के आन पर उल्फत के आन पर हाँ लेना है हमने जरूर ये जरूर चाहे जान चली जाए चाहे जान चली जाए जान चली जाए चाहे जान चली जाए खातिर हमको सब कुछ मंजूर है सब कुछ मंजूर है हानि है दिल में यही मिलना जरूर है मिलना जरूर है दुनिया हजार कहे मिलना कसूर है मिलना कसूर है तेरे मन की मुराद पूरी हो गई सलमा आज रात में तुमसे मिलने आऊंगा तुम्हारा खालिद खालिद मिल के रहेंगे हुजूर से जरूर चाहे जान चली जाए चाहे जान चली जाए जान चली जाए चाहे जान चली जाए ठहरो और पर बच्चों के सिवा तुम सबको हमारे साथ थाने चलना होगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हम इसे तुम्हारी सनोरीता के लिए खरीदना मांगता हमारी सनोरीता के लिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो
एक आज रह गया। हेलो, तुम इन्हें पकड़ के रखो। आदमी से पूछा मगर कोई भी नहीं बता सका कि पुलिस वाले खाना बदोशों को कहां ले गए हैं। कौन महाशय हो तुम लोग? निधू, अपने साथियों के साथ डरा नहीं। हाय ये तुमने हिंदू मत कब से कबूल कर ली? हम हैं डॉक्टर जगजीवन राम जी, नैनीताल के रहने वाले हैं। आप हैं मेरे कंपाउंडर मिस्टर गिरधारी और मिस्टर बनवारी। मैं डॉक्टर जगजीवन राम हूं। किसने भेजा है आपको? दिल की तड़प ने, आत्मा की बेचैनी ने। आपको ना पहले कभी मैंने देखा है, ना नाम सुना है, ना वाकिफ है, ना मैंने आपको बुलवाया है। चिट्ठी मिली और हम आ गए अपनी सरना के पास। मगर मैंने तो आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखी। चिट्ठी नहीं लिखी? तुम लोगों की असल क्या है? पठान। हाँ अल्लाह, पठान तो मेरे नाना की फुफा भी थी, पर मैंने कभी नहीं देखा। क्यों जी, पठान कैसे हुए हैं? इस वक्त हम हैं गिरधारी और ये है बनवारी। हम चंद दिन के लिए पठान नहीं है। तुम्हारे मुंह में क्या है? पान की गिलोरी। मुझे मेरी जी क्या बना है? हम कह देते हैं कि ज्यादा जबान न चला। हम शाहजहानपुर के रहने वाले हैं। बात बात पर आसीने चढ़ा कर मैदान में उतर आते बलवारी कहीं का। राय बहादुर ना हुए कि जो तुझे कलेजे से लगा लेते। रसीली बुआ को नमस्कार। नमस्कार है लाला। भतीजी की तबीयत पूछने आ गए। आइए आइए महाराज, हमको भी बड़ी खुशी है। गिरधारी महाराज। सलमा बेटी को नमस्कार। आजाद राय बहादुर साहब। नमस्कार। अपनी पहचान खुद ही कराना होगी। मुझे डॉक्टर जगजीवन राम कहते हैं और आप हैं मेरे कंफर्टर मिस्टर गिरधारी और मिस्टर बनवारी। और मुझे राय बहादुर हरबंस लाल कहते हैं। बड़ा आनंद हुआ आपसे मिलकर। अपनों से मिलकर आनंद ही तो होता है महाराज। आप अपनी भतीजी से बात बात कीजिए, मैं जरा नुस्खा लिख डालू। हमारी भतीजी को अक्सर बुखार रहता है, अब कैसा है? और ईश्वर जानता है हमें अपनी भतीजी का कितना ख्याल रहता है। जब ही तो पूछने आए हैं, अगर शहर में इनकलाबियों का पाखंड ना हो तो रोज रोज आए बेटी। महाराज, ये इनकलाब जिंदाबाद वालों को आप गोली क्यों नहीं मार देते? अजी सामने आए तो गोली भी मार दे महाराज, बड़े कारीगर लोग हैं।
छुप छुप कर कारीगरी करते हैं। सुना है खालिद नाम का इनकलाबी गुंडा जेल से भाग निकला था, अखबारों में खबर देखी थी। भतीजी मौजूद है, खालिद का नाम सोच समझ कर लेना होगा डॉक्टर साहब। इनका और उनका क्या संबंध है महाराज? वही जो फूल की कली का भंवरे से होता है। राम 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 राम, ये तो बड़ा पाप है। जो आदमी ब्रिटिश राज को ठोक कर मारे उसको तो कोई पापी ही दिल में जगह दे सकता है। राय बहादुर साहब, अगर वो आपके सामने आ जाए तो महाराज क्या करेंगे? आंखों में बिठलाएंगे जी, हमारी सलमा भतीजी का मनचाहा आदमी जो ठहरा। मजा तो महाराज इसमें होगा, उसका और आपका कहीं अकेले में सामना हो जाए। मेरे ख्याल में महाराज उसे वो जूते लगाए कि रहे नाम प्रभु का। वह भी बड़ा कमीना है, कौन कह सकता है कि वो हमारे महाराज का हाल बिगाड़ के छोड़ दे। गिरदारी, ये इनकलाबी गुंडे अछूतों से भी गए गुजरे होते हैं, आपकी गठनियां हैं ये लोग। कुर्सी पुरानी है महाराज, मालूम होता है जैसे धोती कील में अटकी हुई है या कील धोती में। जरा ध्यान से उठिएगा। जो बात हमारे राय बहादुर साहब की हंसी में है वो बात भला गिरदारियों और बनवारियों की हंसी में कहां। राय बहादुर साहब की हंसी ऐसी शुद्ध हंसी है कि ना मिले धर्मशाला में और ना पटियाला में। अच्छा आप चलते हैं, नमस्कार। हरियत है महाराज, बस धोती जवाब दे गई। मगर महाराज को दूसरी कोई चिंता भी जरूर है। अरे तुम सीधे थाने चले चलो, दुश्मन नरगे में है, बस पकड़ने की देर है। समझते थे राय बहादुर गोली आसामी है, कुछ समझेगा नहीं, और हम पहली नजर में ताड़ गए कि भेद क्या है। राय बहादुर कहाँ गए कि तुम खालिद होगी तुम्हारे साथ में।
को तेरा ही इंतजार है, आजा दिल बरा, जीना मुश्किल हुआ, जा मेरे खुदा, कोई हमदम ना कोई गम गुसार है, आजा मुझको तेरा ही इंतजार है, आजा दिल बरा।
नहीं देख लिया? अरे गुंडों की आवाजें आन की आन में दब गई। मैंने अपनी बहादुर सेना को आर्डर दिलवा दिया था कि जिस तरह सावन मी बरसाता है बस उसी तरह गोलियां बरसाना, महाभारत की तस्वीर खींच देना। ये सारे के सारे गुंडे ये रावण के भाई बंद हैं, इनकी लंका ही डुबो कर रहना। देख लिया पद्मनी हमारी बहादुर सेना ने किस तरह गोली चलाई। गोली की आवाज क्या थी, बस यूं समझो जैसे यमराज का संगीत था। इधर वो बजा और उधर मुसलटों ने चुप की चादर तान ली। वहां तो कितनी जानें चली गई होंगी और आप यहाँ हंस रहे हैं। प्रभु की यही आज्ञा है बेटी। प्रभु ऐसा निर्दयी नहीं जो मजलूमों के खून से होली खेलने की आज्ञा दे। पिताजी पिताजी, मजलूमों की आवाज आवाज नहीं है, आग है। आप इसे नहीं दबा सकेंगे, ये फिर उठेगी, अब बार बार उठेगी। ये जख्मी दिलों की पुकार है, जब तक दिल घायल रहेंगे पुकार उठती रहे। डिप्टी कमिश्नर बहादुर के कान तक ये बात पहुंच गई तो वो क्या कहेंगे कि मेरा घर ही पापियों की बस्ती है। कमीन छोकरी, तू मेरा नाश करके रहेगी। अरे हम हिंदू जाति के लोग वफादार होते हैं और सरकार की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अब हागन छोकरी, अगर ये बात फिर तेरी जबान पर आई तो जिस तरह हमने मुसलटों की आवाज को दबा दिया उसी तरह तेरी आवाज भी दबा देंगे। आपने मुसलमानों की आवाज को कब दबा दिया है? अपनी तमाम ताकत के बावजूद, अपने साम्राज्य दोस्तों के साथ के बावजूद आप मुसलमानों की आवाज को नहीं दबा सकेंगे। आप एक मुसलमान मुजाहिद तक को तो गिरफ्तार कर नहीं सके, पूरे कौम का आप क्या बिगाड़ लेंगे। अगर हम खालिद को गिरफ्तार न कर सके तो तू समझती है बिल्कुल निकम्मे हो गए। खालिद को गिरफ्तार करने की जो तरकीब मेरे दिमाग में आई है वो 100% कामयाब होकर रहेगी और दुनिया देखेगी हमने इन मुजाहिदों को किस तरह निष्ठ कर दिया है। दमकाल है, ब्रिटिश राज्य का पुराना सेवक, वफादार नौकर राय बहादुर हरबंस लाल सरकार। मालूम नहीं ये सब लोग का क्लब है, इधर काला लोग नहीं आना सकता। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी बड़ी दया होगी, इंस्पेक्टर जनरल साहब से मिलना था। सब लोग नाच में है, तुमको मालूम नहीं बड़ा दिन का नाच हो रहा है। दफ्तर में छुट्टी की वजह से साहब से मिलना मुमकिन नहीं था, इसीलिए यहाँ आ गया हूँ, बहुत जरूरी काम है। क्यों आया? हुजूर की जय हो, एक बात बहुत पते की सूझी थी। तुम निकम्मा आदमी है हरबंसलाल, तुम अच्छा अफसर नहीं हो सकता है। तुम्हारा बेवकूफी का सबब कालेज भागा, एक बार और भागा, इसी का तमाम गुंडा लोग बार बार जुलूस निकालता है। तुम इनका कुछ नहीं करना सकता है, हम तुमसे बहुत नाराज। महाराज की जय हो, मगर पहले मेरी एक बात जरूर सुन ले। ये तीर जो मैंने सोचा है अगर निशाने पर न बैठा तो सरकार मेरा देश निकाला करती। हम कुछ नहीं जानता, हमको तो खालिद मानता, हमको मालूम है शेर दिल खान उसको आने नहीं देगा। इस स्कीम के आगे उसकी कुछ न चल सके, सरकार इसे पढ़कर तो देखें। गुड, वेरी गुड। हम तुमको पंजाब सरकार की तरफ से फ्रंटियर भेजेगा, बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन वो लोग तुम्हें भी धोखा ना दे जाए। महाराज हम उधार के सौदागर नहीं, आखिर 20,000 रुपए का सौदा है, पहले माल पीछे दाम, वरना परनाम। गुड, वेरी गुड।
गई। वो अंग्रेज के आदमी गुंडार को ढाक कर ले। माफ करना मेरे दोस्त, तुम्हें रोकने की और कोई सूरत नहीं थी। गुलनार बहन को वापस लाने का हक मेरा है। प्रणाम देवी, तुम्हारे आजाद होने की एक ही सूरत है, अपने पति देव के नाम एक संदेश लिखना होगा। उसको कहना होगा के खालिद नाम के गुंडे को वापस कर दो और मुझे हासिल कर लो। सस्ता सौदा है, इस हाथ दो, इस हाथ दो। तुम बड़े मूर्ख हो। अरे व्यापार की बात की और चाटा जड़ दिया। तभी मुसलमान जाति अपने इस जोश की खातिर हमेशा बदनाम होती रहती है। अरे नर तो नर, नारियों के ये लक्षण। राम 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 राम। महाराज, आपको कर्नल साहब ने याद फरमाया है। आपका मूड कैसा है? एकदम ठीक है। अन्नदाता ने याद किया है, सेवक का प्रणाम कबूल हो। कबूल है अपने पुराने सेवक का प्रणाम। महाशय जी, मैं अपनी गोली तुम पर जाया नहीं करना चाहता। अपनी शांति चाहती हो तो गुलनार को फौरन यहां बुलाओ, ये मेरा हुक्म है। खबरदार जो तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। कर्नल साहब का फरमाना है कि श्रीमती जी गुलनार देवी को यहां हाजिर करो। मुझे जान की अमान दी जाए सरकार, मैं वचन देता हूं कि हमेशा आपका सेवक बनकर रहूंगा। और देश का तो प्रेम मुझे भी बहुत है सरकार, मेरा बस चले तो ब्रिटिश सरकार को गोली मार दूं। और हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई है सरकार, और फिर मेरी आपकी कोई जाति दुश्मनी भी तो नहीं है। मैं आपके चरण छूता हूं, मुझ पर दया की जाए, मुझे क्षमा कर दिया जाए महाराज। फिर कर ले, तुमने पठान लड़की को धोखे से कैदी बनाकर पठान कौम की खैरत को लड़का है। वो वक्त दूर नहीं थे। वो वक्त आ पहुंचा है गुलनार बहन। खाली मेरे साथ चलो जल्दी, एक एक लम्हा कीमती है। महाशय जी, तुम भी हमारे साथ चलो। जी मैं। याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह से जरा सी भी आवाज निकली तो गोली चलने में भी जरा देर नहीं लगेगी। जो आज्ञा महाराज। Stop him! Stop him!
अच्छे दिल, ये रहा तुम्हारा मुजरिम जिसने तुम लोगों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं चाहता तो इसको वहीं मौत के घाट उतार देता, मगर मैंने सोचा कि तुम अपने मुजरिम को खुद ही सजा दो तो बेहतर होगा। दया करो श्रीमान जी, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखता हूँ, मेरी जान बख्शी हो जाए तो मुझसे वचन ले लो। मैं जीवन भर अपने छोटे बड़ों को उपदेश दिया करूंगा कि मुसलमान जाति से कभी टक्कर नहीं लेना। मुझसे भूल हो गई आज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने डर ही से मरे जा रहे हो महाशय, क्या तुम नहीं जानते कि नहत्तों पर वार करना मुसलमान का सेवा नहीं। मैं इस वृद्ध दिन पर अपनी गोली दाया नहीं करना चाहता, इसे जाने दो। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो महावीर पुरुष, ऐसे ही होते हैं, नहत्तों पर गोली नहीं चलाते, तुम धन्य हो। वो किधर जाते बेटे रो, वो इस काफिर को क्यों छोड़ता है, इसको मार डालो कदा। मैं इसे जबान दे चुका हूँ, इसलिए इसे कुछ सांस और लेने की मोहलत दी जाती है। जाओ अपने आकाओं और उनकी फुजदिल फौजों के साथ हम पर पूरी ताकत से हमला करो। उनसे कह दो कि सरफरोश हमारे वतन को किसी इंसानी ताकत की नहीं, अल्लाह की मदद पर भरोसा है। जाओ
दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है। कामयाबी हमारे कदम चूम रही है। खालिद, आंखें खोलो खालिद, खालिद। मेरे भाइयों से जा मिले हो? मुझसे तो सलमा बाजी ले गई, जिसने मौत में भी तुम्हारा साथ न छोड़ा। खालिद, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो खुश नसीब है जो शहीद होकर सुखरू हो गया। और शहीद मरा नहीं करते, हमेशा जिंदा रहते हैं। के लिए तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, हम उसको हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह।